बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने कल विंग्स बनाए थे चिकन के, जो बच जाती है, जो चीज़ें बच जाती हैं खाने में चिकन की, वो चीज़ें बनाई थी। और आज भी जिसकी जो बाकी हड्डी थी कमर की या गर्दन की, वो बच जाती है, क्योंकि हम लेग्स पका लेते हैं और हम ब्रेस्ट पका लेते हैं। तो उसका मैंने सूप निकाल के फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देता हूँ। फिलहाल तो कल निकाला था रात में, तो फ्रिज में ही रख दिया। तो ये फ्रिज से आधा सूप लूँगा, आधा किसी बच्चे बच्चे को चाहिए हो तो इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये फ्रिज का ये सूप जो है वो क्यूब जो मिलते हैं चिकन क्यूब, उनसे बेहतर होता है। क्योंकि चिकन क्यूब मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास हैं, मगर मैं नहीं इस्तेमाल कर अवॉइड करता हूँ। इस्तेमाल तो कर लेता हूँ, कभी कभार मजबूरी होती है, सूप नहीं होता तो इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन अवॉइड करता हूँ। तो मैंने आधा सूप चिकन की हड्डियों का बनाया हुआ घर का ले लिया। और हमारे नूडल्स बड़े वाले मैंने इसमें डाले, लेकिन यहाँ मेरा और बच्चों का थोड़ा सा इख्तलाफ है। उनको सूप के अंदर वो मैगी के सॉस से, मैगी के जो होते हैं इंडोमी के, इंडोमी वाली सूप चाहिए, और मुझे चाहिए बड़े वाले नूडल्स नूडल्स। तो उसके लिए मैं अभी करता हूँ, वो भी मिक्स करूँगा। अच्छा जनाब, अब इसमें पड़ेगा जो जो चीज़ें पड़ेंगी, क्योंकि वो डेढ़ जग पानी डालने के बाद आपके ये जो नूडल्स हैं, मैंने 100 ग्राम नूडल्स दिए थे, एक शख्स का दिए, एक अपना 100 ग्राम नूडल्स एक पद के लिए काफ़ी होते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, मैंने चिकन का अपने टमाटर का पेस्ट जो है वो, या मंचूरी जो है वो मैंने ला के फ्रिज की हुई थी, वो मैंने डाल दिया। और मैं नींबू के टुकड़े करके भी फ्रिज कर देता हूँ, यहाँ तो फ्रिज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट वगैरह नहीं जाती, तो उनको भी काट के जब भी नींबू ज़्यादा लाता हूँ तो फ्रिज कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा मार्केट में दुकानों में जाना ना पड़े। तो वो भी इसमें डाल देता हूँ, वो डीफ्रीज हो जाएगा तो फिर हम उसको चाहे तो निचोड़ देंगे। उसके छिलके की खुशबू भी अच्छी लगती है, उसके ग्रेन्स भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, फ्रोजन वेजिटेबल ताज़ी भी डाल सकता था और फ्रोजन भी डाल सकता था। अभी लगी है क्योंकि खाने की पड़ी है, भूख लगी हुई है थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने फटाफट बनाने के लिए ये फ्रोजन वेजिटेबल डाल दी। अब इसमें फ्रोजन वेजिटेबल पड़ चुकी, सूप हमारा पड़ चुका, नूडल्स इसमें पड़ चुके। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा नमक चेसूँगा, क्योंकि सूप में नमक कभी कभार डाल देते हैं। इसे मैं ना सकता हूँ मैं, नमक नहीं है तो नमक मैं आखिर में ऐड करूँगा इसके अंदर। अब अगर मुझे इंडोमी वाले जो बच्चों के लिए नूडल्स होते हैं वो भी डालने हैं, तो वो उनको भी अभी डाल दूँगा, तो मेरा और बच्चों का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो थोड़े बहुत उसमें बड़े आएंगे, बाकी ये आएंगे, क्या बोलते हैं इसको, इंडोमी वाले आएंगे, तो इतना बड़ा हमारी फाइट इतनी बड़ी नहीं होगी। बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, फाइट करते रहते हैं। अच्छा जनाब, ये भी हम डालते हैं, और इसके जो पेस्ट हैं संभाल के रखेंगे, इसकी जो सीजनिंग की चीज़ें वो हम संभाल लेंगे। ये मैंने एक रियाल डेढ़ रियाल कहते हैं, पहले तो एक ही रियाल कहते थे, अब मेरे ख्याल डेढ़ एक रियाल के हो गए, तो ये भी मैंने डाल दिए। पहले वो जो नूडल्स हैं बड़े वाले, उनको गलाने में काफ़ी टाइम लगता है, उनको पकाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए याद रहे आप उनको पहले डेढ़ जग पानी में पकाएं, और उसके बाद चीज़ें डालें। अब ये सब्ज़ी और इसका टाइमिंग, उनके टाइमिंग एक ही होंगे, तो एक ही टाइम में ये पक जाएंगे। अगर पानी की कमी होगी तो हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, और हमारा इंशाल्लाह सीजनिंग के बाद ये सूप तैयार हो। दो चार कतरे में इसमें मैगी सॉस के डाल सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें हॉट सॉस डाल सकता हूँ, क्योंकि बाद में भी सूप के अंदर वो चीज़ें डल सकती हैं, इसलिए थोड़ा डालूँगा। और बच्चों के लिए सीजनिंग अलग करूँगा, अपने लिए सीजनिंग अलग करूँगा। उसमें जूटते हैं नमक है, और काली मिर्चों का पाउडर है, और जैसे ये इंडोमी के अंदर आती है उनकी सीजनिंग की चीज़ें,
वो डालूँगा बच्चों के लिए अलग प्याले में और मैं अपने लिए अलग प्याले में, बाकी मैं बताता हूँ। मेरा सूप ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इसके साथ गार्लिक ब्रेड बनाऊँगा, और ये गार्लिक ब्रेड है, और जनाब इसकी सीजनिंग के लिए, इसके सीजनिंग के लिए ये हॉट सॉस इस्तेमाल करूँगा, और फिर थोड़ा से हरी मिर्च काट के डालूँगा, और ये जी सिरके इस्तेमाल करूँगा, और मैगी सॉस इस्तेमाल करूँगा। उसके अलावा सीजनिंग के लिए आपको बताया ही था कि इंडोमी के अंदर उसकी सीजनिंग आती है, वो डालूँगा, और आखिर में मीठा खाने के दिल करेगा तो मदीने की खजूरें जो मेरी भांजी लाई है, भतीजी लाई है मिशा ने, वो खाऊँगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे।